वेलकम टू इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय में बेरोजगारों के लिए क्या निकल कर आया है। मैं तो ये मानूंगा अब तक की जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई उसमें सबसे बेहतर कैबिनेट मीटिंग इसे माना जा सकता है। बहुत सी वैकेंसीज विभिन्न तरह की कैटेगरीज की वैकेंसीज के लिए यहाँ पे पोस्टों के लिए अप्रूवल कैबिनेट के द्वारा दी गई है और इसके बाद जो अगली कैबिनेट होगी उसमें तो आपको और भी ज़्यादा पोस्टें देखने को मिलेगी। लेकिन आज की इस कैबिनेट में क्या आप लोगों के लिए विशेष है इसको बताने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट का एड्रेस बता देता हूँ क्योंकि पढ़ना पड़ेगा तभी आपकी हिमाचल प्रदेश सरकार में नौकरी लगने वाली है। www.elitestudy.com.co.in। यदि आप इस वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करेंगे तो इस वेबसाइट पर आपको बहुत सी अध्ययन सामग्री हमारी टीम के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इसका लाभ उठाने के लिए आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की बात करें 10 पद यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं। पुलिस विभाग में करीब 200 के आसपास पद है, स्वास्थ्य विभाग में 20 पद, अलाइड सर्विसेज के 50 पद सरकार यहाँ पर अप्रूवल करती दिख रही है, GOIT के 25 पद, पर्यटन विभाग में 23 पद, पशु चिकित्सक के 21 पद, इसके अलावा भी कुछ और वैकेंसीज है। यदि हम ये कुल मिला के देखें तो अप्रोक्सीमेटली 350 के आसपास पोस्टें यहाँ पे सरकार के द्वारा पब्लिश की गई है। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं, यदि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊँ हम अलाइड सर्विसेज की ही बात कर लें तो देखिए अप्रैल 2019 में अलाइड की एक परीक्षा हुई, उसके बाद सेकेंड एडवर्टीजमेंट आजकल रनिंग में है वो आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा तीसरी आपको एक और एडवर्टीजमेंट मिलेगी जिसमें करीब करीब मेरा ये अनुमान है, हमारी टीम के जजमेंट है, 70 से लेकर 100 पोस्टें आपको देखने को मिलेगी जो अगली तीसरी अलाइड सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो स्टूडेंट्स आप अनुमान लगाइए इतनी सारी वैकेंसीज है, तब आप लोग यदि तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने आप को जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा कहाँ पे आपकी कमी रह रही है। हमारी टीम हर रोज सुबह आपको 7 बजे एक बहुत ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री चले इस वीडियो अपलोड करवाती है, उसका नियमित रूप से अध्ययन करें, बहुत ही लाभकारी साबित होगा, बहुत ही अनुभवी अध्यापकों के द्वारा प्रश्न बनाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स कैबिनेट के आपको मैं पूरे के पूरे वर्ड्स जो इसमें लिखे गए हैं उसी आधार पर बता देता हूँ। देखिए जब भी कैबिनेट से अप्रूवल मिलती है कुछ महीनों के अंदर अंदर ये नोटिफिकेशन का रूप ले लेती है और उसके बाद नोटिफिकेशन इसकी हमें देखने को मिलती है। एक बहुत ही बड़ी खबर और आई है जिसके लिए बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन हमारे भी इस यूट्यूब चैनल पर की जाती थी, जिसमें फीमेल्स के लिए देखिए बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में महिला उम्मीदवारों को परीक्षा प्रवेश शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया है। ध्यान से समझिए HPPSC शिमला और सबऑर्डिनेट से इन दो जो कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है जहाँ से रिक्रूटमेंट की जाती है, यदि वहाँ से कोई भी वैकेंसीज निकलती है इन फ्यूचर आने वाले समय में तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनसे फीस नहीं ली जाएगी। तो सभी फीमेल्स के लिए ये कॉन्ग्रेचुलेशन का विषय है, आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप लोग और भी अच्छे से तैयारी करें, आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ ही दिनों में इसकी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, उसके बाद ही ये धरातल पे उतर पाएगी, लेकिन कैबिनेट के द्वारा इसे अप्रूव कर दिया गया है। आगे यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए सबसे पहले हम इसमें आ जाएँ HS के लिए। स्टूडेंट्स HS में तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज इस बार आने वाली है, प्रशासनिक सेवाओं को 10 पदों को भरने की मंजूरी दे दी गई है और कुछ ही दिन पहले आपने एक न्यूज़ देखी थी जितने भी हिमाचल प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पे भी एक ऑफिसर का पद होता है, तो विभिन्न तरह के जितने भी वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के कार्यालय हैं उनमें भी सरकार रिक्रूटमेंट करेगी। यदि ये सारी वैकेंसीज कुल मिला के आ जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 70 से 100 के आसपास ही HS की पोस्टें भी आने वाली हैं। 31 दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इसके एडवर्टीजमेंट हर वर्ष आती है, तो इस वर्ष भी हमें अनुमान है कि 70 से 100 पोस्टों के आसपास, अंतिम तक की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट तक 70 से 100 पोस्टें यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। तो आप लोग दिल लगा के अपनी तैयारी करते रहें। और पुलिस विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 174 पद भरने की कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दी गई है। स्टूडेंट्स 174 पोस्टों की यहाँ पे बात की जा रही है। और देखिए जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे भी कुछ रिक्रूटमेंट के लिए सरकार ने यहाँ पे कहा है। उसके आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आप लोग जो मंडी जिला के नगवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 50 बिस्तरों की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल के रूप में स्तनोत करने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए 19 पद और है, हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है। और अब देखिए जो नेक्स्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसको आप बड़े अच्छे से पढ़ें, यहाँ पर देखिए इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ।
आबकारी अब एवं कराधान विभाग यानी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स में सीधा कहा गया है कि इसमें आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों के 50 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। मतलब बात की जा रही है अलाइड सर्विसेज की। ये तो स्टूडेंट्स एक ही जगह पे है, एक्साइज एंड टैक्सेशन में ही है। इसके अलावा यहाँ पे पंचायत इंस्पेक्टर होता है, इलेक्शन कानूनगोज होता है, कानूनगो के पोस्ट होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके इंस्पेक्टर की पोस्टें होती है। तो इन सबको मिला के आप लोग खुद ही एनालिस कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे 70 से 100 के आसपास पोस्टें अलाइड सर्विसेज की देखने को मिल सकती है। बहुत ही सुनहरा मौका है। और आगे बात करें उपायुक्त शिमला कार्यालय में जीओआईटी के 25 पदों के लिए रिक्रूटमेंट होगी। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं जीओआईटी का थोड़ा सा उनका अभी आरएनपी रूल्स की उसमें दिक्कत है, नंबर वन। नंबर सेकंड उसमें थोड़ा सा क्वालिफिकेशन का पंगा, यदि वो क्लियर हो जाए तो करीब करीब हिमाचल प्रदेश में 2000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज ऐसी होगी जो कि जीओआईटी से सरकार भरेगी। तो ये भी बहुत बड़ी आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है। आप लोग बस लगे रहें, नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। आप हमारी वेबसाइट elitestudyco.in को निरंतर विजिट करें, वहां पे आपको निशुल्क में भी करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं और बहुत ही उत्कृष्ट पुस्तकें हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है वो भी आपको उस पोर्टल पे उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा देखिए आप आगे देखिए, बैठक में सोलन जिला के अंतर्गत अर्की पुलिस थाना के चियोड़ खड में सराली में नई पुलिस चौकी खोलने का निर्णय लिया गया है। देखिए नई पुलिस चौकी खुलेगी तो आपको वहाँ पर स्टाफ भी बैठाना पड़ेगा, 13 पद यहाँ पे सरकार भरने का निर्णय लिया गया है। और इसके बाद आप आगे देख लीजिए, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर प्रोसेस इंजीनियरों को के 5 पद भरने का निर्णय लिया गया है। स्टैंड 350 से भी ज़्यादा ही ये पोस्टें होगी, मैंने जो मेन पोस्टें हैं उन्हीं को लिया हुआ है। और आपको कुछ ही दिनों में एसटीयू की पोस्टें भी सरकार भरने जा रही है, उसके आरएनपी रूल्स भी फ्रेम कर दिए गए हैं। आई थिंक 253 के आसपास वो वैकेंसीज है इलेक्ट्रिक इसमें सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में। तो आप लोग देखिए कितना सुनहरा मौका है। एसटीयू की पोस्ट क्लास 1 की पोस्ट होती है। यदि आपके पास बीटेक आपने सिविल में किया हुआ है तो आप सीधे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अपनी तैयारी को नियमित रूप से आगे बढ़ाते रहें। आगे बात करेंगे पर्यटन के क्षेत्र में, जैसा सर बीती दी है आपको कि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिख रही है। हिमाचल प्रदेश को पर्यटन नगरी बनाने के लिए सरकार भी प्रयासरत है। तो देखिए यहाँ पे पर्यटन विभाग के लिए 23 यानी 23 पदों को भरने के लिए सरकार ने यहाँ पे सहमति दी है। और आने वाले समय में भी आपको पर्यटन के क्षेत्र में और भी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। आगे देखिए यहाँ पे पशु औषधालय में, यदि पशु चिकित्सालय में उसको एक क्या किया गया है, इसको अपग्रेड किया गया है। और देखिए वहाँ पे भी सरकार 21 पद भरने जा रही है, ठीक है। तो 21 पद यहाँ पे पशु चिकित्सालय में सरकार भरने का निर्णय लिया गया है। आगे यदि बात करेंगे जिला मंडी की मणि ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने व इसके लिए भी 2 पदों को सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये सारी वैकेंसीज आपको बताई हमने, विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज थी। और सबसे अंत में देखिए बहुत ही एक आपको भी इससे इंस्पायरेशन लेनी चाहिए, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार में चीफ सेक्रेटरी है डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी उनका पूरा नाम है। मंत्रिमंडल ने अपने 34 वर्ष के कार्यकाल के दौरान देखिए 34 आवर्स इन्होंने सर्विसेज दी, बहुत बड़ा एक काल होता है, ठीक है। और अभी 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो आपको एक और प्रश्न याद कर रहे हैं, अब नए चीफ सेक्रेटरी हमारे कौन बनते हैं, और इन्हें बनाया गया है चेयरमैन RERA का, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इनको एक नई वैकेंसीज के ऊपर 1 जनवरी से उसका कारोबार संभालेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो स्टूडेंट्स के सारे कैबिनेट के निर्णय हमने आप लोगों के साथ में डिस्कशन किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और इन्हीं कैबिनेट के ऊपर आपकी निगाहें हमेशा होनी चाहिए। अगली कैबिनेट की मैं आपको एक फिर से विजन बता देता हूँ, अगली कैबिनेट में आपको और भी वैकेंसी देखने को मिलेगी बहुत से। इसमें एजुकेशन विभाग की हम बात करें जो PGT की वैकेंसी जानी है उसका भी खाका तैयार कर दिया गया है, वो भी कैबिनेट में जाने वाला है कुछ ही दिनों में आपको भी देखने को मिलेगी। एक और AP स्टैंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर की और स्कूल लेक्चरर की, ये दोनों अभी एजुकेशन विभाग के द्वारा सरकार को पुट अप कर दी गई है। कुछ ही दिनों में ऐसा अनुमान है हमारा कि अगली कभी कैबिनेट में इसके ऊपर भी निर्णय हो जाएगा। तो आप लोग निरंतर रूप से कड़ी मेहनत करते रहें, आपको डेफिनेटली हिमाचल प्रदेश सरकार में नौकरी मिल सकती है। बस आपको करना क्या है, नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करनी है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट elitestudyco.in को भी विजिट कर सकते हो। तो स्टैंड HS अलाइड सर्विसेज वाले तो तन मन धन अपना समर्पित कर दें, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है इन दो विशेषकर इन दो
दो क्षेत्रों में। बाकी जिनके पास बीटेक की डिग्री है उनके लिए भी एक सुख समाचार है, एसटीओ के पद सरकार भरने जा रही है, वो भी नियमित रूप से अपनी तैयारी करते रहे। और भी वैकेंसीज है, ऐसा नहीं है कि यहीं तक सीमित है, आप सभी अच्छे से मेहनत करते रहें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्ट यूट्यूब चैनल।